Hello, in my last video, I told you about the digits. Remember? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And I told you that math is a logical thinking. मतलब मैथ्स ऐसा सिखाना चाहिए कि बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो शुरू से डेवलप हो. मैथ्स का मतलब ही उनके दिमाग में आ जाए कि अब हमें सोचने का काम करना है, रटने से हमें नहीं आएगा. तो इस क्लास में मैं आपको करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम द बिगनिंग ये सिखाने जा रही हूँ. बेटा बोलो क्या है ये? 0 ओके, ये 1 2 दिस इज 3 एंड 4 5 6 7 8 9 After this, if you add 1 to 9, it becomes 10. अब इन डिजिट्स में और इसमें क्या डिफरेंस है आप मुझे बताओ. इन नंबर्स में और इसमें क्या अंतर है? ये डिजिट कहलाएगा या 2 नंबर कहलाएगा? टू वो डिजिट टू डिजिट कहलाएगा. एक वन वन डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन डिजिट. बट हेयर दीज आर टू टू डिजिट डिजिट्स. कौन कौन से डिजिट्स आ गए? वन और जीरो. 0 तो हम शुरू से क्या करते हैं कि जैसे ही एक टू डिजिट नंबर आए हम उनको बोलें कि आप उसको प्रॉपर काउंटर्स में लिखना शुरू करो. ये नहीं कि बस ऐसे लिख दिया, ताकि उनको शुरू से पता चल जाए कि टू डिजिट का मतलब होता है दो काउंटर के अंदर नंबर लिखना. और शुरू में ही बता दो कि यहाँ पे जो इस वाले प्लेस को कहते हैं हम वंस कहते हैं और इसको हम कहते हैं टेंस, क्योंकि टेंस से शुरू हुआ है. ठीक है, इसको हम टेंस कर रहे हैं तो हम शुरू से ही बताएं, उसके बाद हम नंबर्स को लिखना शुरू करें शुरू से. तो ये चीज उनके दिमाग में शुरू से कॉन्सेप्ट आ जाएगी कि ये प्लेस होता है, ये जगह होती है जहां इनको लिखना होता है. और फिर आगे फ्यूचर में उनको प्लेस वैल्यू और प्लेस बताने में कोई मुश्किल नहीं होगी, वो खुद ही बता देंगे कि ये कौन सी प्लेस है इसकी. ठीक है, तो ये जो नंबर से सिंगल डिजिट हमारे वंस की प्लेस में आए थे, अब हमारे जब डबल डिजिट शुरू होगा टू डिजिट नंबर होगा वो इस काउंटर में ही लिखना है. ऐसा बच्चों को ड्रॉ करके हम एक स्लिप देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि अब आप लिखना शुरू करो. तो ये हमारा शुरू होता है 10 से. जनरली आप 11 से लिखवाते हैं वो रॉन्ग है, 10 से लिखवाया करिए. 10, फिर पहले डिजिट के आगे 0 के साथ 1 डिजिट लगा दी, वन वन, और फिर 1 के साथ 2 डिजिट लगाया, 1 के साथ 3 डिजिट लगाया, 1 के साथ 4 डिजिट लगाया, 1 के साथ 5 डिजिट लगाया, 1 के साथ 6 डिजिट लगाया, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ 9. और फिर अब 1 के बाद 9 के बाद क्या है? नेक्स्ट डिजिट. नेक्स्ट डिजिट शुरू होगी, ध्यान दीजिए. पहले 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद अब नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2. ऑटोमेटिकली उनको समझ में आएगा कि 2 को यूज करके और इसके बाद फिर से वही डिजिट्स लगाने शुरू करने पड़ेंगे. देखिए ध्यान दीजिए, अब 2 के साथ सबसे पहला डिजिट क्या है हमारा? 0. तो ये लग गया, ठीक है ना. अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने आप दूसरा ब्लॉक बनाएंगे. अब उन्हें पता चल गया कि नेक्स्ट डिजिट का कॉम्बिनेशन 2 वाला शुरू हो जाएगा, फिर 3 वाला शुरू हो जाएगा, फिर 4 वाला शुरू हो जाएगा, फिर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला. और जब 9 की लास्ट डिजिट शिफ्ट शुरू होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे प्लेसेस भर गए, तो अब इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, देखें कोशिश करें, हम सीधे 9 वाला शुरू करते हैं. ठीक है, हमने शुरू में सिखाया उनको, 1 के साथ सारे डिजिट लगा दिए, 2 के साथ सारे डिजिट लगा दिए, 3 के साथ सारे डिजिट लगा दिए, 4 के साथ सारे डिजिट लगा दिए, हम 9 के साथ शुरू करते हैं. हमने 9 के साथ 0 लगाया, क्या बना बेटा बोलो? 91 90. 90 अच्छा एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, बोलना भी इसी से आ जाएगा इनको आराम से. देखिए अगर हमने 10 बोला, 10 सिखा दिया कि 1 को हमने 10 बोला, 1 को हमने टी टी प्लेस माना, टी प्लेस माना तो टी से बन गया 10. ठीक है, 2TWO2 होता है, 12 में जब 10 जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा बच्चों को सोचिए. TWO एंड T 20, कुछ आसानी से बोल पाएंगे. तो इसी तरह 3 की स्पेलिंग में टी जोड़ दीजिए,
थर्टी। फोर की स्पेलिंग में टी जोड़ दीजिए, फोर्टी। फाइव की स्पेलिंग में टी जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, फाइव टी या फिफ्टी। तो फिफ्टी क्लियर हो जाएगा बच्चों को कि फिफ्टी कहाँ से आया। इसी तरह सिक्स में टी जोड़ेंगे, सिक्स टी। सेवन में टी जोड़ेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे टी का कॉन्सेप्ट जब हमने शुरू किया कि बेटा ये टी वाली प्लेस है, टेंस वाली प्लेस को हमने टी शॉर्ट फॉर्म में बोला, तो सेवन टी, फाइव टी यानी कि फिफ्टी, सिक्स टी, सेवेंटी, एटी, नाइन्टी, यानी कि वो जो वर्ड निकला था नंबर नेम के लिए हमारे पास, वो भी उनको जस्टिफाई हो गया माइंड में कि ये ट्वेंटी कहाँ से आया। टू वाली स्पेलिंग में टी जोड़ने की वजह से हमने इसको एक शब्द वर्ड बनाया, ट्वेंटी बना। थ्री वाली स्पेलिंग में टी जोड़ा तो थर्टी बना। फोर वाली स्पेलिंग में फोर टी जोड़ा, क्यों टी जोड़ा, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने पे ये टी बन रहा है, टेंस बन रहा है। तो नाइन्टी वन, नाइन्टी टू, कम हेयर, नाइन्टी थ्री, बोलो, नाइन्टी फोर, नाइन्टी फाइव, नाइन्टी सिक्स, नाइन्टी सेवन, नाइन्टी एट, नाइन्टी नाइन। अब क्या आएगा, नाइन, नाइन के बाद हमारे पास बाद में डिजिट क्या बनाई थी हमने नाइन के बाद, भाई हमने तो सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लिए। अब बचा कौन सा नया कॉम्बिनेशन नंबर, हमारा बचा था टेन, ठीक है, उस लिस्ट में आया था तो हमने ये तो टेन लिखा। अब हमारे पास स्पेस ही नहीं है, हम क्या करें, तो हम एक स्पेस और बना लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया, इसके साथ फिर से जीरो शुरू होगा, फिर तीसरा स्पेस आ गया, फिर तीसरा स्पेस आ गया, फिर तीसरा स्पेस आ गया, तीसरा स्पेस। तो यहां से बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा प्लेस वैल्यू का। सी दिस, अब वो नंबर आ गया 101, तो यानी 100 इज थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, सो वी नीड थ्री प्लेसेस। अब इंटेलिजेंट बच्चा जरूर पूछेगा, मैम आपने वहां पे ओ लिखवाया था, यहाँ पे टी लिखवाया था, हम यहाँ क्या लिखे, ठीक है, यहाँ आप उनको बता दोगे 100, क्योंकि 100 को क्या कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, 100, तो 100 का एच आ गया, राइट। अब ये 100 की फैमिली शुरू होने वाली है, पहले हमारी 10 की फैमिली शुरू हुई थी, तो 10 की फैमिली हमारी चलती है 1010 से लेके 99 तक। जब हमारी 10 की फैमिली 10 से लेके 99 तक चलती, तो एक चीज यहाँ पे हम यहीं पे इनको 100 शुरू करने से पहले ही हम एक चीज बताएंगे, क्या बताएंगे कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा था। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में स्टोर होता जाएगा। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा था, जो सबसे पहले दो डिजिट कौन से बने थे, कौन से बने थे दो डिजिट बताओ, 99. सबसे पहले दो डिजिट कौन से बने थे बेटा, 10 बने थे, तो यानी स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 10. और सबसे बड़ा जो टू डिजिट बना था वो 99. कौन सा बना था, तो वो हो गया हमारा हाईएस्ट टू डिजिट नंबर, वो कौन सा बना हमारा हाईएस्ट टू डिजिट नंबर, जो कि 100 से जस्ट पहले वाला। सी दिस, यहां पे बनते थ्री हो गए, थ्री से जस्ट पहले टू था, यानी कि वो कौन सा था, 99। सी, अब इसी तरह जब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ऐसे, तो कहीं भी ना हमको स्पेशल बताना पड़ेगा टू डिजिट किसे कहते हैं, थ्री डिजिट कहते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं बताना, उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होती चली जा रही है, हमें उन्हें कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से डिजिट कॉन्सेप्ट भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, प्लेस वाला कॉन्सेप्ट भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, बस हमें ध्यान देना है कि उनको लिखने का तरीका शुरू से सही बताएं। हम सही तरीका जब नहीं बताते हैं तो उनके साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेटा प्लेस वैल्यू इसे कहते हैं, प्लेस इसे कहते हैं, ये डिजिट इसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट ये रटवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आएगा। आई होप कि आपको मेरा लेसन पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू, सी यू सून।